नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बाल भवन की। समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव का जो है भव्य स्वागत किया गया है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो अब दीप प्रज्वलित कर जो है माँ सरस्वती की जो है पूजा अर्चना की जाएगी जो है करनाल उपायुक्त जो निशांत कुमार यादव द्वारा। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल बाल भवन की। सर सामने सर प्लीज। तो आप देख सकते हैं फूल माला फूलों को जो है चढ़ाकर जो है करनाल उपायुक्त द्वारा जो है शुभारंभ किया जा रहा है। इस आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण में जो है ऑनलाइन जो है बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा, जहां पर उसको लेकर जो है करनाल उपायुक्त द्वारा प्रेस को संबोधित किया जाएगा, पत्रकारों को संबोधित किया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो है करनाल उपायुक्त जो है मीडिया से जो रूबरू होंगे। तस्वीरें समय लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जहां पर करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव। हमने हमारे यहां जो बाल दिवस आने वाला जो बाल दिवस है 14 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल जो है उसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय एक बाल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और जो वैसे हर बार फिजिकली होता था, इस बार कोविड के चलते ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और करनाल ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल है, जिला बाल कल्याण परिषद, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर के एक्टिविटीज़ करवा रही है। और उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन बाल महोत्सव है ये एक महीने चलेगा और नवंबर में 14 नवंबर को जो बाल दिवस है उस दिन कंक्लूड होगा। इसमें विभिन्न 23 कैटेगरीज़ में 23 तरह की एक्टिविटीज़ 23 एक्टिविटीज़ इसमें शेड्यूल की गई हैं। उदाहरण के तौर पे निबंध लिखना है, पेंटिंग है, डांस कॉम्पिटिशन्स हैं, सिंगिंग है। और टोटल 74 ग्रुप्स बनाए गए हैं एज ग्रुप्स के हिसाब से। इसमें बच्चों को एक पोर्टल के ज़रिए जोड़ा गया है। पोर्टल का जो एड्रेस होगा वो childwelfarehariana.com। इस पोर्टल पे बच्चे अपने 2 से 3 मिनट की वीडियोग्राफ्स या फोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में हमारे जजेस हैं, वो इन वीडियोस को फ़ोटोज़ को एनालाइज़ करेंगे और उसके बेसिस पे जो टॉपर्स हैं उनको बाल दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा बाल कल्याण परिषद का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों में किस तरीके से एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इसी सिलसिले में समय समय पे हम इस तरीके एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। जून महीने में हमने एक बाल संगम करके प्रोग्राम कराया था, जिसमें इसी प्रकार की बच्चों की एक्टिविटीज़ हमने ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए कराई थी और अवार्ड्स भी वितरित किए थे। इसी प्रकार से ये एक एक्टिविटी है। मैं हमारे सभी मीडिया के जो साथी बंधु हैं उनके ज़रिए आग्रह करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से, विशेष रूप से, कि वो इन बच्चों को इन एक्टिविटीज़ से जोड़ें। किसी की भी कोई लिमिट नहीं है, करनाल ज़िले का कोई भी बच्चा इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग एज ग्रुप्स के आधार पे कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे ऐसा मेरा मानना है, ताकि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे, उसके साथ पार्टिसिपेशन करेंगे, नाम निकाले जाएंगे, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, वो ब्लॉक लेवल पर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे या स्टेट कैटेगरीज में? सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आएंगे, एंड देन स्टेट में उनकी एंट्री जो है, जो हमारे टॉपर्स हैं वो स्टेट में जाएंगे। अलग अलग जिलों से जितने भी बच्चे आएंगे उनका कॉम्पिटिशन स्टेट पे होगा, तो स्टेट पे भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऑनलाइन अपलोड करेंगे, उसका सिलेक्शन कौन करेगा सर? हमारे जजेस हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखे हैं, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इन सभी जो 74 कैटेगरीज हैं उनकी जजिंग करेंगे और उसके बेसिस पे बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कोई लिमिट भी नहीं है कि एक बच्चा कितने कंपटीशन कर सकता है, कितने भी कर सकता है। कोई भी बच्चा टोटल जो 23 कैटेगरीज हैं सभी 23 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। childwelfarehariana.com इस पे वेबसाइट पे जाकर के बाल महोत्सव के नाम से एक लिंक है, उस पे रजिस्ट्रेशन कराएं और उस पे तुरंत अपने वीडियोस और फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट वगैरह कब तक रहेगा? आने वाले बाल दिवस पे 14 नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर करके और जो विजेता है उनको हम जिला स्तरीय कार्यक्रम करके अवार्ड देंगे। सर, प्रत्येक बाल दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेडी फड़ी वालों को छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं और दलील ये दी जाती है कि इनके खाने का इंतजाम नहीं, आप ले जाओ, आप कर दो,
देखिए, चाइल्ड लेबर पूरे भारत में एक कानून अपराध है, जुर्म है, और अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, हमने चाइल्ड हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू की है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे भी कोई भी कॉल्स आते हैं। आई अज्यूम कि हमारे दिन के कितने रफली कॉल्स आते होंगे चाइल्ड हेल्पलाइन पे? महीने में 30 से 35 केस आते हैं। 30 से 35 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे जो डिस्ट्रेस में होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, वो हमें कॉल करते हैं और हम उसको तुरंत जो है अपनी टीम भेज करके मौके पे तहसीलदार SHO को भेज करके उन बच्चों को उस परेशानी से निकालते हैं। कुछ केसेस में देख रहा था तो जैसे एक बच्चे का कॉल आया हुआ था कि उसके पिताजी शराब पी करके उसके साथ मारपीट करते हैं, तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आए हैं और हमने इंश्योर किया है कि बच्चों की को किसी भी तरह के डिस्ट्रेस ना हो। तो अगर किसी के पास ऐसी सूचना आती है कि रेहड़ी पे, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे अगर कोई चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो तुरंत जो है प्रशासन को सूचना दें। यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, इनको सूचना दें, हम तुरंत कार्रवाई करें। सर, सूचना की अगर बात की जाए तो रेड लाइट पर हमेशा जो भीख मांगते, दो दो महीने के बच्चे हैं और वहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, तो प्रशासन की नज़र में तो पहले ही है क्योंकि सीसी कैमरे लगे हैं। बिल्कुल, आपका वैलिड पॉइंट है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो छोटी उम्र के हैं और भीख मांगते हुए नजर आते हैं, वो हमारे नॉलेज में भी आए हैं। तुरंत उनका जो पुनर्वास है उसकी इंतजाम किया जाएगा और हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी चाइल्ड लेबर है वो जिले में ना हो रही है। सर, वीडियो MB की बात करें, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे रह जाते हैं, कई बार पोर्टल नहीं चलता, अपन MB रखी गई, कितनी MB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? साइज की कोई लिमिट नहीं है, बस ड्यूरेशन का है कि 2 से 3 मिनट की वीडियो है वो जो इस पे वेबसाइट पे जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि किसमें वीडियो बनाना है, किसमें फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। तो इसमें सर कभी पोर्टल नहीं चलता तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे इमरजेंसी के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे इवन हमारे बाल भवन के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते जो बच्चों की ई लर्निंग की भी प्रक्रिया शुरू करी हुई है और हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं कि कितने बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हमने एक शिक्षा मित्र करके भी एक कार्यक्रम शुरू किया कि अगर जिन परिवारों में मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारे युवा आगे आए हैं जिन्होंने अपना एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपना स्मार्टफोन बच्चों को अवेलेबल कराया है ताकि बच्चे ई लर्निंग कर सकें। तो जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं जिन घरों में, वो इन शिक्षा मित्रों की मदद ले सकते हैं, अपने किसी भी परिचित की, रिश्तेदार की, पड़ोसी की मदद ले सकते हैं और वो वीडियो या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। सर, क्या आप एक ऐसी मुहिम चलाएं कि जिस प्रकार आपको बाल दिवस आ रहा है, अधिकतर शॉप जो स्वीट शॉप होती है उनके बड़े बच्चे होते हैं, चाहे मार्केट में शॉप हों उन बड़े बच्चे होते हैं, तो क्या दुकानदार हैं उनको आप कुछ ऐसा मोटिव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मुहिम भी चलाएंगे हम, जागरूक भी करेंगे और मैं आप लोगों के जरिए करनाल के सभी लोगों से बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर किसी को भी चाइल्ड लेबर की कोई भी सूचना मिले तो हमारे जो बाल भवन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर उसकी शिकायत या उसकी जानकारी जरूर उपलब्ध कराएं ताकि हम एक्शन ले सकें। सर, डिपार्टमेंट से अलावा कुछ एक टीम गठित हो सकती है सर, जो फील्ड के अंदर जो एक्टिव रहे? जरूर, हम इस पर विचार करेंगे, जो हमारे SDMs हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक पहुँचे और ये शिकायतें लें। शहीद पैनी चौधरी के लेकर उनके माँ बाप की मांग है काफी 2 साल से कि चाहे कोई चौराहा बनाया जाए, चाहे कोई कॉलेज का नाम रखा जाए, तो इसके मामले में आपको कुछ कहना है सर? मेरे संज्ञान में ये मांग नहीं थी, क्योंकि आपने ये मेरे संज्ञान में लाई है ये बात, तो अब हम जरूर इस पे गौर करेंगे और जो भी उनकी मांग होगी उनका उसको पूरा। पिछले दिनों स्कूलों में फंड भेजा गया था वॉल पेंटिंग के लिए ताकि बच्चे वहाँ से कुछ सीख सके, लेकिन स्कूल तो पहले ही बंद पड़े थे, उतने टाइम में वो जो है पेंटिंग खराब हो जाएगी, तो सर कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा स्कूल में? मैं इसकी मेरे संज्ञान में अगेन नहीं था, इसकी जांच कराएंगे। हम इंश्योर करेंगे कि अगर इस तरीके की बात है कि अगर बाला पेंटिंग्स कहीं पे हुई हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, तो उसको जब बच्चे स्कूल खुलेंगे और बच्चे जब आने शुरू होंगे तो वो पेंटिंग्स उसी स्थिति में हों, ये इंश्योर करेंगे। एक और चीज़ मैं एडिशनल बताना चाहूँ कि स्मार्ट सिटी के तरफ से शहर की जो 9 स्कूलें हैं उनमें 53 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ियों में काम चला भी हुआ है, मैं खुद इंस्पेक्शंस करके आया हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि जब स्कूल्स खुलेंगे और बच्चे आने होंगे उससे पहले हम इन 53 क्लासरूम्स को स्मार्ट बना दें। वहाँ पे LED स्क्रीन्स लगेंगी जिस पे टीचर्स उन स्क्रीन्स के जरिए पढ़ाएंगे, रोबोटिक्स लैब वगैरह लगेगी, तो उसकी भी हमने इसमें तैयारी की है। धीरे धीरे फिर अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो शहर की जितनी भी हमारी 40-45 सरकारी स्कूलें हैं सब तक हम इस प्रोजेक्ट को। सर, जो 15 तारीख को स्कूल खोलने जा रहे हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं जो करनाल के अंदर? जो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन है उनकी तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो अभी आना रहता है।
हमें उम्मीद है कि कल या परसों में हमें वो SOP भेज जाएगा। उसके बाद हम सभी स्कूलों में, सारे ब्लॉक्स में ये SOPs का प्रचार प्रसार कर देंगे, ताकि स्कूलें कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चल सके। सर, एक नेकी का दीवार का मामला, एक बड़ा मामला, कंपनी चोरी हुई है, अगर चोरी होती तो सामान जो उस पर लटका हुआ वो लेकर जाते चोर, तो इसमें सर ये कि चोरी हुई शरेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है सर। ये मामला मेरे भी प्रकाश में आया था और उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँ कि लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए में वो नेके की दीवार बनाई गई है स्मार्ट सिटी के द्वारा। दूसरी बात, उसमें कुछ लाइट्स को जो है चुराया गया है, जो LED लाइट्स लगाई गई थी, कुछ महंगी लाइट्स थी, उसके लिए जो FIR दर्ज कराने के भी डायरेक्शन हमने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए हैं। और चूँकि ये बड़ा ही रिलीजियस धर्म का सा काम है कि किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी डोनेशंस करें, तो मेरी आप सब लोगों के माध्यम से करनाल के लोगों से भी अपील रहेगी कि ये जो चीज़ बनाई गई है नेकी की दीवार, ये करनाल वासियों के लिए ही बनाई गई है और उन्हीं के पैसे से बनाई गई है। तो अगर उसमें कोई तोड़फोड़ या चोरी की चीज़ होती है तो ये हम अपना ही पैसों का और अपनी रिसोर्सेज का नुकसान कर रहे हैं। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह हमें इसका बीड़ा उठाना चाहिए कि सरकारी संपत्ति का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। प्रशासन ने अभी के लिए वहाँ पे हमने CCTV कैमरे लगाए हैं, शुरू में हम वो अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उसमें जो दान है वो गुप्त रहना चाहिए और जो आदमी उसको कपड़ों को जूतों को लेके जाते हैं उनकी भी आइडेंटिटी गुप्त रहे, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद में हमने वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगवाया है और आगे से हमारी सुपरविजन में रहेगा, उसमें कोई भी तोड़फोड़ ना करे। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको किसी भी तरह की अभी पेमेंट नहीं की गई है, उसकी मेंटेनेंस का भी 1 साल उसमें है, 1 साल तक वो उसको मेंटेन भी करेगा और जो भी उसमें टूट फूट हुई है उसकी रिपेयर करा भी दी गई है। सर, सोशल मीडिया पर सर यही चीज़ वायरल हो रही है बार बार कि 5 लाख रुपए में, पहले 9 लाख का वाकया था, उसके बाद जब आपका एक बयान आता है कि 4 लाख रुपए की LED इस पर लगानी थी, उसके बाद 5 लाख रुपए की बनती है, पर बार बार सोशल मीडिया पे लोग अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने पोस्टर डाल रहे हैं कि आखिर 5 लाख रुपए का इसके अंदर लगा क्या है, उसके बारे इसमें देखिए अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी जो है निगम पे भी लग रहा है अधिकारियों, इसमें अगर कोई भी डिटेल लेना चाहे कि क्या क्या इसके एस्टिमेट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, तो स्मार्ट ऑफिस से ले, स्मार्ट सिटी के ऑफिस से ले जा सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई। पहले इसमें बड़े बड़े LEDs भी लगने थे, वो हमने इसीलिए प्रोजेक्ट से ड्रॉप कराए क्योंकि हमें लगा ये शायद सुरक्षित नहीं होंगे, या तो चोरी की संभावना है या हो सकता है कोई असामाजिक तत्व इनकी तोड़फोड़ करें। तो जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी सारे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा, बाकी सरकारी एजेंसीज़ के द्वारा, ये सारा जनता का ही पैसा है और जनता के लिए ही लगाया जा रहा है। तो जब तक हम इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारी भलाई के लिए लगाया गया और हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की हादसे हो सकता है आगे भी हों, तो हमें आगे आकर के इसके अंदर साइकिलिंग पॉइंट बनाए गए थे, जनता के पैसे से ही बने थे, उनकी जरा सी भी देखरेख नहीं रही है, साइकिलें हैं वहाँ, टायर पंचर पड़े हैं, खराब पड़ी हैं सर, उनकी कोई देखरेख नहीं है। ये जो सांची साइकिल प्रोजेक्ट था नगर निगम का, इसमें ये 2016 में दिया गया था और 5 साल के लिए था 2021 तक। इसमें अभी प्रेजेंटली 16 साइकिल डॉकिंग स्टेशंस हैं और जो आपने बात उठाई है वो हमने जांच भी कराई और वो बात सही है कि कई जगह पे साइकिल्स फंक्शनल नहीं है, कई जगह वो बुरी स्थिति में है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, जो एजेंसी है उनको नोटिस दे दिया गया है कि वो अपनी साइकिल या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से ले जाएँ। इसके अलावा जो पॉइंट्स बनाए गए हैं और जो होर्डिंग्स बैनर्स लगाए गए थे वो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम की संपत्ति है, अब तो कंपनी को वो सारी चीज़ें नगर निगम के पास छोड़ के जानी होंगी। नगर निगम में हम अभी ये इसका फैसला लेंगे कि उनका क्या इस्तेमाल किया जाना है, या तो बस स्टैंड के तौर पे, बस शेल्टर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे या और कोई एक्टिविटी की तरह। हाँ, तो अभी हमने रिसेंटली हफ्ते पहले उसको टर्मिनेशन का नोटिस दिया है, 30 डेज, कल मैंने देखा 30 डेज नोटिस है, उसके बाद हम तुरंत जो है उसको अपने पोजिशन में ले लेंगे और उस पर नगर निगम के जो भी या सरकारी जो भी एडवर्टीजमेंट से वही लगेंगे। शीरो रूम की आपने बात कही, तो पूरे शहर में 6 शीरो रूम बनाए गए थे और लगभग 180 के करीब टॉयलेट्स थे जिसमें 500 समथिंग शीट्स थी। उसके लिए हमने जो सुलभ शौचालय है, जो NGO है, उनसे संपर्क किया है स्मार्ट सिटी के थ्रू और उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में उनके साथ एक MOU साइन हो जाएगा। उसके बाद शहर के जितने भी टॉयलेट्स हैं और शीरो रूम है उनको सुलभ जो है वो टेक ओवर कर लेगा और जितनी भी उनकी सफाई की चार्जेज आते हैं वो हम स्मार्ट सिटी से पे करेंगे।
तो आने वाले समय में टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सुलभ हमेशा से अक्रॉस इंडिया अक्रॉस कंट्री जो है एक बड़ा अच्छा नाम रहा है और अच्छी उन्होंने क्वालिटी भी मेंटेन की है टॉयलेट्स की, तो आने वाले समय में इसकी हमें मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में कोई दिक्कत आएगी। सबसे शहर की सुविधा के लिए दो वोल्वो बस चलानी थी, लेकिन आज वर्कशॉप में वो वोल्वो बस कंडम हालत में खड़ी है। वो मेरे संज्ञान में आया है और हमने जीएम को इसकी जांच के लिए कहा है, मैं उनसे रिपोर्ट लेकर के उस पर जो उचित कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। प्रोग्राम होना है स्वामित्व स्कीम के तहत करनाल जिले में टोटल 13 गाँव में जो डीड्स हैं वो बांटी जाएंगी और कल एक अच्छा प्रोग्राम करा के आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब वो देख सकते हैं कि जिस प्रकार आप जो अभी करनाल उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, वो उस ऐप का जो है लॉन्च जो है खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, ताकि आज से वो जो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप अपने बच्चों का या अब खुद का जो है खुद ये है आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तस्वीरें समय देख सकते हैं करनाल उपायुक्त द्वारा जो है इसका अब शुभारंभ कर दिया गया है। तस्वीरें समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल डीसी द्वारा जो है इस ऐप का जो है उद्घाटन भी किया है, उनका अपने शुभारंभ हाथों द्वारा जो उनका आरम्भ किया जाए। तस्वीरें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।